आपको इस चैनल पे डिप्लोमा से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाएंगे, साथ में आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको प्लेसमेंट एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में समझाया जाएगा और भी बहुत कुछ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट आपको मिल सके। आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले बिहार पॉलिटेक्निक 2021 के फाइनल एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि फाइनली आपकी साइट पे एक न्यू अपडेट आ रखा है। अपडेट में ये मेंशन है कि आपकी डेट जो है एंट्रेंस एग्जाम को लेकर वो अनाउंस कर दी गई है। मैं यहाँ पे आपको सही तरीके से ये बताना चाहता हूँ कि आपका डेट क्या हो गया है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, आपका ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट के आपकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितनी भी चीजें आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही चेक किया करो। यहाँ पे उसके बाद देख सकते हो ये आपका DCEC, इसके ऊपर हमने क्लिक कर लिया। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर लोगे तो फाइनली इस तरीके से आपका पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, अब आपको करना क्या, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर लोगे तो यहाँ पे एक PDF आपको डाउनलोड कर लेनी है। जैसे हम इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे तो इसके अंदर आपकी सारी चीजें मेंशन में आपको वन बाय वन करके सारी चीज आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए, हमने इस PDF को ओपन कर लिया। इस PDF को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आपको सारा चीज मेंशन है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम की डेट वगैरह क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपका PDF थोड़ा सा लोड हो रहा है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने बोला कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आपको ये बंद हो जाएगा। कब बंद होगा, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, और आपको जितनी भी है यानी पेमेंट वगैरह वो सब कुछ कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका मेंशन है। उसके बाद आप देख सकते हो 7 सितंबर तक। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका क्या, जो भी स्टूडेंट ये बोले थे भाई हमारा फॉर्म एडिट करना है हमें, यानी कि हमसे कुछ गलतियां हो गई, तो आप फॉर्म को एडिट कर सकते हो। फॉर्म एडिट की डेट जो है आपकी 8 सितंबर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेन चीज है कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिट कार्ड जो है आपका वो कब आएगा, 20 सितंबर को आएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्या है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का डेट क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका मेंशन है कि अगर आप पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग या फिर आपका इस तरीके से PPE का जो है आपका 25 सितंबर को होगा, और उसके बाद आपका देखा पैरामेडिकल वगैरह का कब होगा, देख सकते हो यहाँ पे लिखा है 26 सितंबर को होगा। तो ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ पे देखो इन्होंने बोल रखा है सेकंड लाइन में कि आपको जो एडिट करने की डेट है वो दी जाएगी, उसके उस वाले डेट में आप कुछ भी एडिट कर सकते हो, जो भी आपसे गलतियां हुई है फॉर्म भरते टाइम। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन ये जो बोल रखा है इन्होंने एडमिट कार्ड, ये आपका कब निकाला जाएगा, इन्होंने बोल रखा है कि हम आपको डेट दे देंगे 20 तारीख को आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, लिखा हुआ इन्होंने। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो अगला लिखा हुआ इन्होंने कि आपको अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। तो ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मेन उद्देश्य ये था मेरा इस वीडियो को बनाने का कि आपका जो एग्जाम डेट है वो एग्जाम डेट है आपका 25 सितंबर, जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं 25 से 26 वाला, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया, आपका एडमिट कार्ड 20 तारीख को आ जाएगा। तो फाइनली स्टूडेंट अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है, आप देख सकते हो 20 दिन के आसपास आपके पास टाइम बचा हुआ है, 20 या 26 दिन के आसपास, ठीक है, क्योंकि आज 4 सितंबर हो चुका है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपनी तैयारी बिल्कुल सही तरीके से कीजिए, और आपसे बोले थे भैया प्लीज आप भी तैयारी कराओ, तो हाँ मैं बिल्कुल आप सबको तैयारी कराऊंगा। एक्चुअली मुझे क्या है कि आपकी जो बिहार पॉलिटेक्निक की बुक है वो मैंने ऑर्डर कर दी, जैसे ऑर्डर आ जाता है मेरे पे मैं आप सबके लिए उसकी PDF आप सबको प्रोवाइड कराऊंगा, यानी कि जो भी आपकी बुक है ना उसकी मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा अरियंत की बुक की, और उसी बुक की मैं आपको सही तरीके से प्रिपरेशन कराऊंगा। वन बाय वन हम सारे लेक्चर आपके लिए अपलोड कर रहे होंगे, राइट। इतनी चीज आप लोगों को क्लियर है, प्लीज आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, हाँ भैया आपको जरूर ऐसा करना चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम की वीडियोस वगैरह लानी चाहिए, मैं 100% आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट हम वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।